सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल समीर सर की पाठशाला को और दबाइए बेल आइकॉन मेरे लेटेस्ट अपडेट के लिए। इसमें कोई भी पैसे नहीं लगते। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का समीर सर की पाठशाला में। दोस्तों, हमारा आज का विषय है बिहार SSC इंटर लेवल जो मुख्य परीक्षा होने वाली है, उसके लिए मैं आज गणित का मैथमेटिक्स का सेट प्रैक्टिस 1 लेकर के आया हूँ। तो आप लोगों को मेरा एक संदेश है कि आप लोग रिजल्ट के इंतजार में पढ़ाई अगर नहीं कर रहे हैं तो ये आप लोग खुद का नुकसान कर रहे हैं, है ना। पल में प्रलय होते हैं, बहुरी करे कब, आपने सुना होगा। इसलिए आप आज से अपना समय का इस्तेमाल करना चालू कर दें और अभी से पढ़ना चालू कर दें, क्योंकि बहुत जल्दी एग्ज़ाम हो जाएगी। तो अब आप लोग उस वक्त हाथ पैर आप लोग के फूलने लगेंगे कि एग्ज़ाम कब होगी। आप लोग पूछते हैं एग्ज़ाम कब होगी, अगर आप खुद तैयारी चालू कर दें आप लोग को जरूरत ही नहीं पड़ेगी एग्ज़ाम कब होगी। तो दोस्तों, मैं कहूँगा इसलिए कि आप लोग नित्य अच्छे से पढ़ने के लिए जो है इस चैनल से जुड़े मेरे साथ, और जो भी आज मेरे चैनल पर नया है वो सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकॉन भी दबा दें ताकि लेटेस्ट अपडेट जो मैं लोड करूं वो मैं आप लोगों तक पहुंच जाए। इससे पहले मैं हिंदी का मैंने 2-3 पढ़ाई इसमें डाला है, वो आप लोग उसमें देखेंगे। और आज मैथमेटिक्स का मैं पहली बार लेके आया हूं। ये मैं मिक्स सेट बना रहा हूं, फिर मैं चैप्टर बाई चैप्टर, जैसे एवरेज हो गया और भी चैप्टर उसमें है, परसेंटेज है उसमें, मैथ उसके रीजनिंग का है, ये सभी चीज़ मैं आप लोगों को बताऊँगा खुले रूप से बहुत अच्छे तरीके से। तो मेरे ख्याल से आप लोग बात समझ गए, और जो लोग सब्सक्राइब कर चुके हैं उनको तहे दिल से धन्यवाद। दोस्तों, चलिए आज कुछ नया सीखते हैं। तो ये पहला प्रश्न के सामने में दिया गया है, यदि एक घन की भुजा 6 सेंटीमीटर है तो उस घन को पिघलाकर 2 सेंटीमीटर भुजा वाले ने छोटे छोटे कितने घन बनाए जा सकते हैं। तो इसमें 4 ऑप्शन भी दिया हुआ आपके सामने में। सबसे पहले एक बड़े घन की भुजा 6 सेंटीमीटर, इसका आयतन निकालेंगे। तो बड़े घन का आयतन यानी वॉल्यूम बराबर क्या होता है, भुजा का पर क्यू होता है, तो साइड पर क्यू होता है, इसका क्यू कितना होगा, 6 का क्यू हो जाता है 216। और छोटे घन का आयतन होता है कितना, 1 का क्यू, यानी कि 2 का क्यू कितना हो जाएगा आपको दोस्तों, 8। तो कुल छोटे छोटे घनों की संख्या बराबर हो जाता है कितना, 216/8, काटेंगे हो जाएगा 27, यानी कि 27। ये हो जाता है आपका नंबर सी में, ठीक है, सिर्फ फॉर्मूला याद रहना चाहिए। चलिए अब प्रश्न नंबर 2 को देखते हैं। यह है दूसरा प्रश्न, किसी त्रिभुज के आधार को यानी बेस को 15% बढ़ाया गया जबकि इसकी ऊंचाई यानी हाइट को 20% बढ़ाया गया, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल यानी एरिया में कितने परसेंट की वृद्धि हुई। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। इसका फॉर्मूला दोस्तों इस प्रकार होता है, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बाय 100। बस इसको आप रट लें, बात खत्म है। कितना होता है, एक्स 15 + 20 + 15 × 20/100। 10 जो चला गया यहाँ पर हो गया आपको 35, और इसका हो गया 30, और ये हो गया कमान 3 हो गया 38%। ये हो गया आपका आंसर, और ये है आपको नंबर डी में, ठीक है। तो चलिए आप देखते हैं नंबर 3 का प्रश्न। ये तीसरा प्रश्न आपके सामने में है, लिखा हुआ है एक उम्मीदवार को कुल 45% मत मिले यानी वोट मिले, उन्हें प्राप्त हुए, उसके क्षेत्र में कुल 21,400 मतदाता था यानी वोटर्स थे, वो कितने परसेंट मतों से पराजित हुआ, यानी ये जो 45% है वो पराजित हुआ। तो पहले मैं आपको बताना चाहूँगा आप लोग कैसे बनाते होंगे और हम आपको किस प्रकार से समझाएंगे। सबसे पहले तो आप ये प्राप्त करेंगे, ये वोट, कुल वोट 21,400 का 45% आप निकालोगे, ये और ये कर गया 45 से मल्टीप्लाई करने के बाद आपको हो जाएगा 9,630। और ये है रनर यानी कि हारने वाला, ठीक है। विनर को कितना प्राप्त हुआ, तो कुल मत 21,400 माइनस 9,630, तो ये हो गया। अब इसको इसे माइनस करेंगे, हो जाएगा 11,770। अब ये जितना अधिक पाया ये इतना कम पाया, यानी कि हारना या जितना हार हो या जीत हो, यानी कि विनर अधिक पाया, अगर ये ले लीजिए अधिक पाया कितना 9,630, सॉरी ये विनर पाया ना, 11,770 माइनस 9,630, यानी ज़्यादा वाले में कम वाले को घटाया जाता, हो जाता है 2140, यानी ये मत जो है वोट
या तो ये अधिक पाया है या तो ये कम पाया है, इतना ही मत है, इससे ये हारा है या जीता है। अब इसका निकालना है परसेंटेज, देखिए कितना समय लग रहा है आपको, तो पर निकालना तो आप अपने ढंग से निकालो। अगर 21,400 टोटल है 100%, तो कितना मार्क्स से जीता या पराजित हुआ, 2140, 2140 है वाट, या जिस प्रकार से परसेंटेज आपको निकालना आप निकाल सकते हैं। इस प्रकार से ये दो जीरो कट गया, ये कट गया पूरे पूरे 10 बार में, एक्स का वैल्यू हो गया 10%, 10% से ये हारा या 10% से जीता, तो आपका आंसर निकलता है 10%। लेकिन दोस्तों मैं आपको शॉर्ट में एक लाइन में कहना चाहूँगा, कुल मत होते हैं आपको 100% टोटल वोट, ठीक है। अब ये 100% में जो है ये सुपर ट्रिक है, 100% में आपको रनर यानी हारने वाले ने पाया 45% और जीतने वाले ने पाया कितना, जो रेस्ट बचा 55%। दोनों का अंतर कितना हो गया, 10%। या तो ये 10% से हारा या तो ये 10% से जीता, आपका इतना सही आपका आंसर हो जाता है सॉल्व, ठीक है। चलिए अब नंबर 4 की ओर जाते हैं। तो ये है चौथा नंबर प्रश्न आपके सामने में लिखा हुआ है, एक टंकी का माप, टंकी दिया उसका माप है 4 मीटर × 3 मीटर × 2 मीटर है, ठीक है, यानी कि लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, ये मैंने आपको यहाँ पर पहले से टंकी बना दिया है, और ये लंबाई, ये चौड़ाई है, ये ऊंचाई है, यानी कि ये एक समान बराबर नहीं, इसकी स्क्वायर में नहीं है टंकी। इसमें जो है 12,000 लीटर पानी है, तो टंकी के तल से पानी की ऊंचाई कितनी होगी। सीधी सी बात है कि टंकी की धारिता पूछ रहा है, टंकी का अंदर का आयतन पूछ रहा है, इसमें कितना पानी अट सकता है, इतनी ही बात है। अगर वो फाइंड करते हैं तो हम लोग क्या पड़ता है, ऊंचाई पता चल जाता है। दोस्तों सबसे पहले हम वॉल्यूम निकालते क्या है, टंकी का आयतन, टंकी का आयतन होता है L×B×H, यानी 4×3×2=24 घन, है ना, स्क्वायर हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा इसका, यानी कि टंकी में जो है, टंकी में 24,000 लीटर पानी आ सकते हैं पूरी टंकी में, और इसमें 12,000 है यानी आधा भरा हुआ है टंकी, ठीक है, तो आधा टंकी का 12,000, हाफ है 24, तो पूरा टंकी का ऊंचाई कितना होगा, ठीक है, तो 12,000 यदि ये हाफ है तो पूरे 24,000 हो जाएगा वाट, नहीं पूरे का हाफ हो गया, है ना, तो उसका ऐसे भी हाफ आराम से दिखाई पड़ रहा है, वन ही होना चाहिए, क्योंकि यहाँ इसका ये ऊंचाई 2 है, तो इसका आधा जब 12 है तो पूरा अगर 24 है तो आधा इसका 12, यानी कि एक मीटर हो जाएगा, दिखाई पड़ रहा आराम से, तो ये 1/2 जो है 2 ऊपर चला जाएगा यहीं पर, तो यहाँ पर ही मैं कर देता हूँ, ठीक है, 2 × 24 हो गया ये, और ये ख़त्म एक बार में, x=2 हो जाएगा 1 मीटर, आपका आंसर तैयार है, ठीक है। नहीं समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में पूछेंगे, मैं फिर से आपको बता दूंगा। अब चलिए देखते हैं 5 नंबर में क्या है। तो हाजिर है 5 नंबर का प्रश्न आपके सामने में, यदि 4 क्रमिक यानी लगातार बोल रहा है विषम संख्याओं का औसत 18 हो, तो इन संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तो चार संख्या जो कि विषम है और लगातार है, मैं इसका ट्रिक बहुत ही बेहतर आपको बताने वाला हूँ, और जब मैं चैप्टर वाइज पढ़ाऊंगा तो बहुत ही मजे से पढ़ाऊंगा, इसलिए अगर आप लोग पहले से मेरे खंगाल के जितना भी होता है वो वीडियो देख लें तो ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है। किसी व्यूज कम होंगे उससे आपको मतलब नहीं है, आपको सिर्फ जानकारी से मतलब है, और हो सकता है उसमें फेस वगैरह उतना अच्छा क्लियर नहीं हो, लाइटिंग वगैरह का अभाव, अभी तो और भी प्रॉब्लम है बहुत सारी, वो दूर करना धीरे धीरे। तो अब देखिए इसमें क्या है कि 4 क्रमिक विषम संख्या, मान लीजिए तो संख्या पता नहीं है, अगर बनाओगे तो बहुत लंबा वो तरीका, A, B, C और D, तो एवरेज अगर दोस्तों 3 संख्या तो बीच वाली संख्या उसका होता है एवरेज, ये इसका रूल होता है, ठीक है, अगर लगा मतलब वो संख्या दी गई हो, लेकिन अगर 4 दी गई हो तो इसको जोड़ के अगर हम 2 से भाग देते हैं तो होता है एवरेज निकलता है, यानी कि एवरेज जो होता है दोनों के बीच में होता है, ये बीच वाली संख्या जो होती है इसके होती है बीच में, कितना से एवरेज 18, तो यानी कि इसके पहले यहाँ एक कम होगा 17, इसके और इससे कम होगा कितना होगा 16, चूंकि लगातार है और विषम बोला था, विषम में तो 16 नहीं होगा, हो जाएगा 15, 2 से कटने वाला होता है सम संख्या, नहीं कटे तो विषम संख्या, इसके बाद ये हो जाएगा आप 18 के बाद यहाँ देखेंगे 18 यहाँ हो जाएगा 19 और ये हो जाएगा 21, ठीक है 21, और 21 आपका है बड़ा, सबसे बड़ा संख्या,
और ये आपका ऑप्शन में दिया हुआ हो गया आपका आंसर तैयार एक ही बार में कंप्लीट। ठीक है, अब इसमें जो है चूंकि हम लोग अभी सीख रहे थे तो आप पहली बार अगर जान रहे हो तो इतना पीछे बनाए, लेकिन 18 देखने के बाद मैं 19 लिखता या ये भी नहीं लिख करके सीधा 21 लिख करके एक सेकेंड में आंसर समाप्त, यहाँ तक कि पेन भी नहीं रखना पड़ता। तो चलिए आगे बढ़ते हुए देखते हैं 6 नंबर का आखिरी प्रश्न आज का। तो चलिए लास्ट प्रश्न 6 नंबर का अंतिम प्रश्न आपके सामने आ चुका है। मैं फिर से विनम्र निवेदन करना चाहूँगा जो भी मेरे चैनल पर आज नए देख रहे हैं और लगातार बने हुए हैं अंतिम तक, उन लोगों की जो है दिल से अगर पसंद आए तो सौगंध है उन लोगों की आप लोग सब्सक्राइब जरूर करेंगे, क्योंकि जो है अगर अच्छा लगे तो कुछ लोग यूं ही देख करके चले जाते फिर तो देखना ही है, लेकिन सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे थोड़ी हेल्प होगी, मेरा सब्सक्राइबर बढ़ेगा। तो चलिए देखते हैं आज का अंतिम प्रश्न। यदि 2 वर्षों में 100 रुपये का मिश्रधन 121 रुपये हो जाते हैं जबकि चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट की दर 8% है तो R का मान क्या होगा? यानी कि इसमें सीधा सा बात है, इसमें परसेंट निकालना है, हर कुछ दिया हुआ है, चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो 2 वर्षों का बात है, एक होता है फार्मूला ए बाय पी यानी कि होता है ये प्रिंसिपल हो गया, मूलधन हो गया, यह हो गया मिश्रधन, 1+R/100 होल्ड टू द पावर एन यानी कि ये होता है टाइम। इस प्रकार से हम लोग सॉल्व करते हैं, ए कितना है आपको, ए है आपको मिश्रधन है 121 है और ये है 100 है ना, और इक्वल टू है 1+R/100 का स्क्वायर, ये 11/10 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1+R/100 का स्क्वायर। तो ये कैंसिल हो गया ऊपर वाला स्क्वायर, यानी कितना बचा 11/10, ये हो गया इधर -1 इक्वल टू R/100 इक्वल टू 1/10 इक्वल टू R/100, ये चला गया तो ये R इक्वल टू 10% आंसर। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों कैसा लग रहा है आप लोग का ये वीडियो? मैं अभी भी करना चाहूँगा आप लोग मुख्य परीक्षा के तिथि का यानी डेट का इंतजार ना करते हुए लगातार बने रहें, प्रयास करते रहें, और जब एग्ज़ाम का डेट निकल जाएगा तो आप लोग को डर नहीं रहेगा, खौफ नहीं रहेगा कि एग्ज़ाम का डेट निकल गया अब मैं क्या करूं। तो सर ने बहुत सारी बात बताई, एक बात यह भी आपको सलाह दी कि आप जो है परीक्षा का तैयारी प्रारंभ कर दें, और हमारे साथ बने रहने के लिए यदि आपको पसंद आता हो तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाएँ। तब तक के लिए लेते हैं विदा, जय हिंद, वंदे मातरम।